हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है मेदू बड़ा बनाने की। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं, झटपट बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेदू बड़ा बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम धुली हुई उड़द की दाल ली है, जो बिना छिलके वाली दाल आती है। इसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। अब इसको 2-3 बार मैंने साफ़ पानी से धो लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। एक प्याज बारीक कट की हुई, 1 चम्मच नमक, 1 हरी मिर्च बारीक कट की हुई। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है, जिससे कि हमारे जो हम बड़े तैयार करेंगे बहुत ही वो क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। 8 से 10 कड़ी पत्ता, 1 चुटकी हींग। यहाँ 2 चम्मच मैंने सूखा नारियल है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, इससे बड़े का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लिया है और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और बड़ा फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ा वाला मिक्सी जार ले लिया है। मैं थोड़ा जल्दी वाला काम करूँगी क्योंकि दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, जिससे कि एक बार में ही पिस जाए। तो इस जार में दाल को डाल देंगे। पानी का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होगी तो हम इसमें 1 चम्मच पानी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम दरदरा पीस के तैयार करते हैं। ये देखिए, दाल हमारी पीस के तैयार है। हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है और इतनी दाल पीसने में बीच में हमने इसमें 1 चम्मच पानी का भी यूज किया है, क्योंकि दाल थोड़ी सी पीसते टाइम स्टिकी सी हो जाती है, तो इसलिए हमने इसमें पीसते समय 1 चम्मच पानी का भी यूज़ किया। दाल हमारी पीस के तैयार है, तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, हमने दाल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इस दाल को अच्छे से 5 मिनट के लिए फेंटेंगे। इसमें हम 1 चम्मच पानी और ऐड कर लेंगे और इसको हम 5 मिनट कंटिन्यूस, आप चाहें तो हाथ से भी फेंट सकते हैं। इसी तरह से हम इसको फेंटेंगे, जिससे कि दाल हमारी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। दाल को हमने कंटिन्यूस 5 मिनट फेंट लिया है। अब ये थोड़ी सी हल्की होने लगी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी मेदू बड़ा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से हम थोड़ी दाल लेंगे और एक बाउल में हमने थोड़ा पानी लिया है, इसमें डाल के देखेंगे। ये देखिए, दाल हमारी ऊपर ही तैर रही है, तो इसका मतलब ये है कि दाल हमारी अच्छे से फेंट चुकी है। तो अब हम इसको एक साइड कर देते हैं और इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग, प्याज और जो हमने कड़ी पत्ता लिया है इसको हम बारीक कट कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर, चावल का आटा, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक और कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मेदू बड़ा का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसमें ऑयल डाल के ऑयल को गर्म होने देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बड़ा बनाएंगे तुरंत हमें कढ़ाई में डालना होगा, तो ऑयल को हम पहले से गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम अब हमने लो कर दी है। अब हम अपना मेदू बड़ा तैयार कर लेते हैं। अब हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, इससे हम अपने हाथों में लगा लेंगे, जिससे कि दाल चिपकेगी नहीं, अच्छे से लगा लेंगे। और इस तरह से आपको जो भी साइज़ रखना है
इसको आप राउंड शेप में कर लेंगे। इस तरह से, और बीच में इसमें इस तरह से होल कर देंगे, ये देखिए। और इसको हम दूसरे हाथ पे लेंगे और इसे हम ऐसे शेप देते हुए तुरंत कढ़ाई में डाल देंगे, ये देखिए। हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, गैस की फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे। तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर तेल पहले ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। ऊपर तो आपको लगेगा कि फ्राई हो गए लेकिन अंदर से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो हम एक एक बनाते जाएंगे इसी तरह से और एक एक कढ़ाई में डालते जाएंगे। एक और देख लेते हैं। इस तरह से हम दोबारा से हाथ पे पानी लगाएंगे और इस मिक्सचर को लेंगे। इसको दूसरे हाथ से हम राउंड शेप दे देंगे और बीच में होल कर देंगे इस तरह से, और दूसरे हाथ पे लेके इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। जब हमने दूसरा डाला है तो पहले वाले को हम पलट देंगे जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं तब छेड़ेंगे, अभी एकदम नहीं छेड़ेंगे। इसी तरह से हम इसमें एक एक डालते जाएंगे और जो हमने पहला डाला है उसको हम पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। अब इससे जो पहला वाला था उसको हम पलट लेंगे। इसी तरह से हम अपने बड़े फ्राई कर लेते हैं। जो मेदू बड़ा हमने पहले डाले थे उनको हम निकालते जाएंगे एक एक करके और इसमें दूसरे हम ऐड करते जाएंगे, ये देखिए। तो इसी तरह से अपने सारे मेदू बड़ा फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेदू बड़ा बन के तैयार हैं। यहाँ मैंने इसको सांवर के साथ लिया है। सांवर की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।